देश समेत उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक के बाद संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यूपी में आए दिन हजारों की तादाद में नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में बिना कोविड रिपोर्ट के मरीज भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों के बाहर तीमारदार ऑक्सीजन लेकर लेटे हुए हैं। बुधवार को विवेकानंद अस्पताल के बाहर अलीगंज निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग सुशील कुमार श्रीवास्तव इधर उधर चक्कर काटते नजर आए, मगर अस्पताल वालों ने ये कह के भर्ती करने से मना कर दिया कि पहले कोविड की रिपोर्ट लेकर आओ। इनका यह भी आरोप है कि सरकार के आदेश में 700 रुपए में जांच होती है, मगर हमसे 1500 रुपए लिए गए, बावजूद हमको अभी भी भर्ती नहीं किया गया है। इस कारण हम ताल कटोरा से 15,000 का प्राइवेट सिलेंडर खरीद कर लाए, अभी मरीज सुशील को ऑक्सीजन के लिए लगा रखा है, बावजूद अब तक उन्हें भर्ती नहीं किया गया है। अस्पताल प्रशासन यही कह रहे हैं कि जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मरीज को भर्ती किया जाएगा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है, इस बीच राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए नजर। इसे लेकर अस्पताल के प्रबंधन की ओर से भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़टेक.कॉम।